यूपी के रामपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को खजूरिया गांव के जंगल में फेंक दिया और मौके से आरोपी पति फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा SP विपिन टाडा ने किया। वारदात रामपुर थाना खजूरिया क्षेत्र के सिनोना गाँव की है, जहाँ आरोपी पति भजन लाल का लंबे समय से उसकी पत्नी कल्पना देवी से विवाद चल रहा था। दोनों में हमेशा तनाव रहता था। वारदात वाले दिन भी आरोपी पति और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बड़ा कि आरोपी पति ने अपने गमछे से पत्नी कल्पना देवी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास के गांव के ही जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। सुबह जब एक किसान अपने खेत पर गया तो शव को देखकर हैरान हो गया और पुलिस को सूचना दी। शव की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला की गला घोटकर हत्या करना सामने आया तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। इधर महिला की शिनाख्त कल्पना देवी के रूप में हुई। थाना खजूरिया पुलिस ने टीम ने महिला के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं पुलिस को महिला के पति पर शक हुआ तो पुलिस ने पति भजन लाल को अपनी हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पति ने वारदात को कबूल लिया। वहीं SP विपिन टाडा ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी भजन लाल ने ही अपनी पत्नी कल्पना देवी की हत्या अपने गमछे से गला घोटकर की थी, जिसे आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर आज जेल भेजा जा रहा है। रामपुर यूपी से रेखा रानी, आजाद TV न्यूज। 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी, महिला बिहार की रहने वाली थी, उनके 2 बच्चे हुए, परंतु दोनों के जो रिश्ते थे बड़े तनावपूर्ण थे और दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। होली वाले दिन भी दोनों का झगड़ा हुआ और इसी बात पर महिला घर छोड़कर चली गई। पास ही के एक बाग में वो जाकर बैठ गई। वहाँ पर जब पति गया फिर झगड़ा हुआ और तैश में आके पति ने अपने ही गमछे से उसका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी।